इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे यकीनन चौंकाने वाले रहे, पर अब इस चुनाव को ही रद्द करने की मांग हारे हुए उम्मीदवारों की जानिब से की जा रही है। अब इनकी मांग को कितना सही माना जाए, क्या अदालत इनके एतराजात को कबूल करेगी, क्या वाकई इनकी मांग दुरुस्त है। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई चुनाव हार जाता है तो बजाय हार को कबूल करने के इसका इल्ज़ाम किसी और के सर मारा जाता है। पिछले कुछ सालों से ईवीएम मशीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ईवीएम मशीन की कहानी और दास्तान भी वैसे काफ़ी तवील है। इस पर बारहा सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल हारने वाली पार्टियां या फिर उम्मीदवारों की जानिब से उठाए जाते हैं। यह भी बात उतनी सच है कि ये मशीन जिन मुल्कों ने बनाया है वही इस मशीन के जरिए चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि वहां पर भी बैलेट पेपर के जरिए ही किए जाते हैं। कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। हर मशीन को वीवीपैट की पर्ची जरूरी होने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। हाल ही में जो कॉरपोरेशन चुनाव हुए इसमें वीवीपैट नहीं लगाया गया था, लिहाजा तमाम उम्मीदवारों को चाहिए था कि वीवीपैट नहीं तो चुनाव नहीं, इस तरह का मामला उन्होंने उसी वक्त लेना था, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि चुनाव होने तक तो सभी खामोश रहे और अब ईवीएम मशीन के जरिए धांधली की बात कही जा रही है। आज फिर बेलगाम डीसीएम जी हिरेमठ को हारने वाले उम्मीदवारों ने मुतालबा पेश करते हुए दोबारा चुनाव की मांग की और वीवीपैट ना होने की बुनियाद पर हालिया फैसलों को गलत कहते हुए दोबारा कॉरपोरेशन इलेक्शन की मांग की है। इतना तो ज़रूर है कि दोबारा चुनाव का होना मुमकिन नहीं है। कई मरतबा देखा गया कि ईवीएम मशीन में कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाने का इल्ज़ाम बारहा लगाया गया है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की जानिब से संसद में मॉक ड्रिल भी कराया गया था और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव जीते जाते हैं। खैर, कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजों के मद्देनज़र एक बार फिर ईवीएम मशीन का मामला मंजर आम पर आया हुआ है। एमईएस ने पीआईएल दाखिल करने की तक बात की है, लेकिन अदालत में जाने से भी कुछ काम बनेगा ऐसा नहीं लगता। जो भी हो, पर मौजूदा चुनाव के नतीजों से काफ़ी लोग सदमे में पहुंचे हुए हैं। दोबारा चुनाव की अफवाहें भी गश्त कर रही है, पर इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नज़र दिखाई नहीं दे रही। इतना ज़रूर है कि हारने वालों के लिए कुछ बहाना ज़रूर मिल गया है। कल के जो पीटी में जो देखा तो एक सोशल फील्ड में मैंने काम किया 26 साल, तो उसमें मेरे को 30 वोट आते, तो दो जगह से मैंने फॉर्म भरा था, 12 और 13। 12 के लोगों का वोटिंग 13 में गया है, 13 अलग के वोटिंग 12 में, ये कैसा मुनासिब हो सकता है सर? और हालांकि मशीन में 30 वोट दिखाते हैं तो ओरिजिनल पीटी गई कहाँ और डुप्लीकेट पीटी आई कहाँ? और कितने में भी की साहब पीटी आज तक? क्या समाज में काम करने वालों को आज कोई इज्जत नहीं है? हर वक्त समाज में कुछ होता है तो उनके लिए अन्याय के विरुद्ध हम लड़ते हैं, हमारी इज्जत नहीं रही। आज हर पार्टी की इज्जत है, हमारी कुछ भी इज्जत नहीं। आज महिला को अन्याय हो रहा है, कुछ भी नहीं, अत्याचार बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं, कल हम पे भी हो सकता है। क्या गारंटी है जो हम समाज में काम करें? आज क्या गारंटी है जो हम लोग बिंदास घूमे, कहाँ तक घूम सकते हैं? कल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ भी, तो हमारे वोटिंग कहाँ गए? हालांकि हर वार्ड में अपनी अपनी इज्जत के साथ में अपनी जो हम भी 10-20 वोट थे वो भी हमारे वोट नहीं है, हमारी फैमिली से वोट आए वो भी नहीं है, हमारी फैमिली हमारी यहाँ के 200 या 300 वहाँ तक वोट भी हो सकते हैं वो भी नहीं। 30 वोटों की जरूरत, 26 वोटों की जरूरत या तो 60 वोटों की जरूरत। एमएलए में फाइट किया उन लोगों को सिर्फ 60 वोट मिलते हैं सर, ये कौन सा अन्याय है? कहाँ गए? हम आवाज उठाए और इसका जवाब चाहिए। और हालांकि आज आप खुशी खुशी कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर का कोई संबंध नहीं है, इस पे हम स्टे लाएंगे। और पहले भी स्टे था, उसका निकाल नहीं हुआ था, और हालांकि जल्दी से जल्द आप इलेक्शन डिक्लेयर किया, 8 दिन के समय में कुछ नहीं होता, पहला 1 महीना मिलता था, वो 1 महीने का टाइम नहीं था, सिर्फ 20 दिन में कुछ भी मुनासिब नहीं था, फिर भी हम
हमने अपनी लड़ाई लड़ा, लेकिन हमें वोट हासिल नहीं हुए। पीटी सब कुछ बिक गए, और जहाँ तक पीटी बिक गई थी, जहाँ पे आरो थे, आरो भी साले बिक गए थे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, वो लोग अभी साथ सस्पेंड होना चाहिए। डीसीपी विक्रम आमटे ने कल मीडिया के तमाम जिम्मेदारान को मधु कर मीडिया की जिम्मेदारी पर एक इजलास शगुन गार्डन में मुनक्कद किया गया था, जिसमें मीडिया और कानून और इनकी जिम्मेदारियां पर तबादले ख्याल किया गया। डीसीपी विक्रम आमटे ने मीडिया और कानून की जिम्मेदारियां पर मुख्तसर ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त शहर के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम लोग शरीक रहे। इस वक्त ACP क्राइम नारायण बर्मनी भी शरीक रहे। स्कूल कॉलेजेस की शुरुआत हो चुकी है, वही दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि तेज़ रफ्तार गाड़ियां दौड़ाने वाले नौजवानों को भी देखा जा रहा है। अक्सर हाईवे पर बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रक जो बिना तरतीब के कहीं पर भी पार्क की जाती है या सड़क के दरमियान से दौड़ाई जाती है और हादसे हुआ करते हैं। एक बार फिर बर्डे ढाबा के नज़दीक खड़ी ट्रक को मोटरसाइकिल से ठोकर मारने से दो कॉलेज तलबाओं की मौत होने की वारदात पेश आई है। श्रीनाथ पवार चवाड़ गली और रंजीत धुमावत सदाशु नगर, ऐसा मरने वालों की शनाख्त हो चुकी है। हालिया कॉरपोरेशन चुनाव में तारीखी जीत दर्ज करने वाले मुस्लिम कॉरपोरेटरों की गुलपोशी फोटोग्राफर एसोसिएशन की जानिब से की गई। इस वक्त तमाम उर्दू कॉरपोरेटरों को मधु किया गया था और इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए गुलपोशी शालपोशी फरमाई गई। इस वक्त फोटोग्राफर एसोसिएशन की जानिब से यमरियाज, आरी पठान, वसीम पीरजादे, आदिल चचड़ी, जुबेर सलगार, शब्बीर जमुना, शब्बो बुखारी, रोहित बेपारी और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।